हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे डॉट कॉम। तो इसरो असिस्टेंट की क्लासेस तो ऑलरेडी चल रही हैं बैंक एग्जाम्स टुडे डॉट कॉम पे। तो अभी दूसरा वीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि आप पढ़ें कैसे पढ़ें, लेक्चर्स आप डाल रहे हो, वीडियोज़ डाल रहे हो, आप नोट्स डाल रहे हो, टेस्ट डाल रहे हो, तो लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या कैसे करना है बेसिकली। तो आज मैं एक सिस्टमेटिक वे में प्लान बताऊंगा आपको कि अगले एक वीक में हम क्या करने वाले हैं। अगर आपको इन चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम आया, चाहे नोट्स की बात करें चाहे टेस्ट की बात करें, कोई भी प्रॉब्लम आए, हमने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो उसमें भी आके आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, डिस्कशन बोर्ड पर आके क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो उस पर भी हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन जो है रेगुलरली बनाएंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा अप्रॉक्सीमेशन का, ये लेक्चर के बाद आपको अप्रॉक्सीमेशन का जो लेक्चर है वो मिलेगा। तो अभी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जो हमारा वीकली प्लान है, वीकली बेसिस पे प्लान बनाएंगे स्टूडेंट। देखिए, अगर मैं मंथली प्लान बनाऊँगा या थोड़े ज़्यादा टेन्योर का प्लान बनाऊँगा तो उस पर स्टिक करना मुश्किल हो जाता है, उसके हिसाब से चलना मुश्किल हो जाता है, स्किप हो जाता है, त्यौहार आ जाते हैं या कुछ ज़रूरी काम पड़ जाता है तो स्किप हो जाता है कई बार। इसलिए वीकली प्लान जो है बहुत अच्छी चीज़ है। अगले हफ्ते दोबारा से बनाएंगे, कुछ एक गलती रहेगी उसको सुधारेंगे, तो एक अपने प्लान को रिवाइज करने का, रिविजिट करने का हमें भी मौका मिलता है और आपको भी मौका मिलेगा। तो देखिए, एक सिस्टमैटिक वे में कैसे जो आपने तैयारी करनी है, ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो है लेक्चर देखना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपने हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है या learn.bankexamstoday.com पे देख रहे हैं, तो 20 से 25 मिनट का ये जो एक वीडियो लेक्चर रहता है वो सबसे पहले आप देख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेसिक्स उसमें क्लियर करवाते हैं। उसके बाद 10 से 15 मिनट का एक जो है टेस्ट होता है, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। टेस्ट लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हैं। वो गलतियों से आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी गलतियां सबसे पहले नोट डाउन कीजिए कि जी मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमने नोट्स दिए हैं। सिमिलर क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स है वो क्वेश्चंस आप बुक में भी ढूंढिए, वो चैप्टर जो है बुक में से अच्छी तरह कीजिए, और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है टेस्ट के दौरान वैसे और क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कीजिए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उन क्वेश्चंस को आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या डिस्कशन बोर्ड पे पोस्ट कीजिए। राइट, जब ये हो जाएगा ये आपका मैक्सिमम 30 मिनट्स लेगा। उसके बाद ये जो आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, ये अपना पहली बात ये आपने डिस्कशन बोर्ड पे आपने डाल दी, उसके बाद इसको ट्रैक करना है। उसके बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। डाउट क्लियरिंग सेशन में ये होगा स्टूडेंट्स, आपने जो भी क्वेश्चंस डाले होंगे किसी पर्टिकुलर चैप्टर के आपको समझ नहीं आए, उस सभी का एक वीडियो प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि यह इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, कैसे सही तरीके से किया जा सकता था, कैसे टाइम बचाया जा सकता था। तो एक प्रॉपर तरीके से प्लान वे में चलिए। ये बेसिक एक तरीका है क्वांट और रीजनिंग करने का। तो इस हफ्ते में हम जो चैप्टर्स करने वाले हैं, सबसे पहले तो अप्रॉक्सीमेशन करने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेशन, एलजेब्रा और टाइम एंड वर्क। अरिथमेटिक के सिर्फ 3 चैप्टर ही करने वाले हैं इस हफ्ते में। ये मत समझिए कि बहुत स्लो चल रहे हैं, स्लो नहीं चल रहे हैं। अरिथमेटिक के 3 चैप्टर करेंगे, उसके बाद रीजनिंग के भी चैप्टर्स मैं भी आपको बताऊंगा, बहुत तेज चल रहे हैं। अगर मेरे हिसाब से देखें बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। आप एक दो दिन में सिलेबस ख़त्म नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज आपको अप्रॉक्सीमेशन का वीडियो मिलेगा, उसमें कोशिश कीजिए, आपको एक टेस्ट भी मैं प्रोवाइड करूंगा। कोशिश कीजिए कि सबसे पहले तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की। सबसे बेसिक चैप्टर है या अप्रॉक्सीमेशन का, आई थिंक आपको ऑलरेडी आता होगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगता होगा अगर आप बिगिनर हैं। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो वो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि डाउट क्लियरिंग सेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे कोर्स का। ये बनाने का मेरा एक मोटिव ही यही है। अगर तो बेसिक एक वीडियोज ही बनानी होती अप्रॉक्सीमेशन एलजेब्रा तो यूट्यूब वगैरह पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पर्पस ये है कि हम सिस्टमैटिक करना चाहते हैं कि सबसे पहले वीडियो लेक्चर, यू गॉट इट, वीडियो लेक्चर मिल गया, उसके बाद कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। राइट, एक प्रॉपर तरीके से। ये ना हो ना कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूं या अगर डिस्कशन की मैं बात करूं, जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी मैं अप्रॉक्सीमेशन एलजेब्रा पे ही बैठा हूं, स्टूडेंट आके मुझे ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे या आप स्टूडेंट आके मुझे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे तो मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि अगर मैं उसका वीडियो बनाने बैठ, ऐसे तो हर रोजाना मुझे 10 वीडियो बनाने पड़ेगी ना, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग चैप्टर करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। आज आप कोशिश कीजिए, आज अप्रोक्सीमेशन ही करिए, एक दिन में एक ही चैप्टर करेंगे और सभी स्टूडेंट्स, अगर ग्रुप में अगर आप काम कर रहे हैं, ग्रुप में आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक स्टडी ग्रुप हैं, एक ही चैप्टर करेंगे तो ही आपका भी फायदा है, आप भी अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और हमें कराने में थोड़ी आसानी रहेगी। आज अप्रोक्सीमेशन कीजिए, कल को जो चैप्टर करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अरिथमेटिक का आज अप्रोक्सीमेशन ही करना है। रीजनिंग का इस हफ्ते हम इनइक्वालिटीज करने वाले हैं, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, पेपर में आना होता है तो 3-4 मार्क का इसरो के पेपर में आ जाता है, राइट। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में सैंपल ऐसे ऐसे के ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, आपको टेस्ट भी दिए जा चुके हैं, कई स्टूडेंट्स के टेस्ट चेक भी करे जा चुके हैं, उसका वीडियो भी बनाया जा चुका है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली 4-5 स्टूडेंट्स के अभी जो एसेज हैं वो चेक नहीं हुए हैं, वो आज या कल तक, कल सुबह तक हम चेक कर देंगे। और ये जो सैम्पल एसेज है इसका हम एक PDF बना रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, और ये सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे मे बी विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर अंदर जो है हम सैम्पल एसेज, जो हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पिछले वीडियो सेशंस में हमारे जो टीचर थे इंसिया मैम, इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो डिस्क्रिप्टिव पेपर के, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, तकरीबन 20 टॉपिक्स, तो टोटल उन सभी टॉपिक्स पे हम सैम्पल एसेज की अच्छे तरीके से ऐसे कैसे लिखा जा सकता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऐसे लिख के आपको एक सैम्पल देंगे। चाहे उन 20, वैसे तो उन 20 टॉपिक्स में से आने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, लेकिन अगर उनमें से नहीं भी आता है, आपको ये पता चलेगा कि ऐसे 400 वर्ड्स में अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है, तो ये PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको जरूर सैंपल एसेस का PDF प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही कंप्यूटर लिटरेसी का जो बेसिक PDF नोट्स है ये हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली आप कह लीजिए कल सुबह तक, कल सुबह 11 बजे ये हम इसे अपलोड कर देंगे। इसरो के अपने कोर्स में जाके इसको ज़रूर देखिए, वहाँ पे मैं PDF फाइल्स का एक अलग से फोल्डर बनाने वाला हूँ, अलग से एक कह लीजिए, जब आप इसरो अपने कोर्स के अंदर जाएंगे, चाहे मोबाइल पे चाहे कंप्यूटर पे, बहुत आसानी से आप ढूंढ पाएंगे और डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो एक बहुत ज़रूरी सूचना कह लीजिए, एक रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले तो प्लीज़ कम्युनिकेट, हमने अगर WhatsApp ग्रुप बनाया है या हम डिस्कशन बोर्ड है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए करेंगे तो हमें पढ़ाने में मुश्किल हो जाएगी, राइट। आप पूछेंगे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं। और दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्टिव पेपर के जो एसे हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर का मैंने आपको एसे लिखने को बोला था और टाइम लिमिट भी था उसमें, अगर आप फिलहाल टाइम लिमिट हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जो टेस्ट लेंगे उसमें टाइम लिमिट भी होगा, कंप्यूटर में आपने एंटर करना था सारा वो अपना एसे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंटरनेट में से कॉपी करके दिया है। हम लोग यहाँ चेक करने बैठते हैं, हम मेहनत से पढ़ते हैं और हमें पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कि यार ये स्टूडेंट खुद नहीं लिख सकता, मतलब आप टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह वेबसाइट से आप वो है पैराग्राफ्स उठा के ऐसे में लिख रहे हैं और हमें बेवकूफ़ समझने मत बनाएं, और खुद आप एक्चुअली हमें बेवकूफ़ नहीं बना रहे, खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं, पेपर में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये अपनी आदतें छोड़ें और बी ऑनेस्ट, खुद से लिख के ऐसे भेजें ताकि हम आपको बता पाएं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आज एक लेक्चर आपको मिलेगा कि जिस पे हमने पूरे जो आपने एसेज भेजे हैं सभी स्टूडेंट ने, सभी के ऐसे तो हम ऐसे नहीं दिखा सकते नाम के साथ क्योंकि नहीं अच्छा लगता है ये, बट हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपने गलतियाँ की हैं और वो गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है फ्यूचर में, तो इस सब पे एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और ये हमारा एक पूरे एक वीक का एक प्लान है, इस पे हम अभी काम करने वाले हैं। आज अप्रॉक्सीमेशन है और अप्रॉक्सीमेशन के जो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते टेस्ट में या कोई भी क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का समझ नहीं आता है, प्लीज़ 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 आप शेयर करें डिस्कशन बोर्ड पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं आप सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए, इस वीक का प्लान तो यही था, वैसे इस वीक में हो सका तो डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे मैं अगर कहूँगा कि शायद हम लेटर राइटिंग भी शुरू कर दें, लेटर राइटिंग, हाँ लेटर राइटिंग हो सकता है कि क्योंकि ये मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर जो मैं खुद नहीं पढ़ाता हूँ, मैं जो है अरिथमेटिक और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, कोशिश कर की जाएगी अगर सैंपल ऐसे वाली PDF पे जल्दी से जल्दी काम हो गया तो हम लेटर राइटिंग पे ज़रूर काम करेंगे करवाएंगे। तो चलिए, ये हमारे दूसरे वीक का प्लान है, आज जो है अप्रॉक्सीमेशन का दिन है, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, जो टेस्ट भी आपको इसका मिल जाएगा। तो चलिए, अगर स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रह गई है,
अगर आप में से स्टूडेंट्स ने, अगर ये आई थिंक वीडियो हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, अगर आपने अभी तक इसरो की क्लासेस ज्वाइन नहीं करी हैं तो bankexamstoday.com पे जाके ज्वाइन कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।